मैं जब प्लस टू में था ना तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मुझे कहती थी कि बेबी हम जो है साथ पढ़ेंगे, एक साथ नीट क्रैक करेंगे, फिर उसके बाद एमबीबीएस, एक साथ पीजी, शादी, बच्चे सब करेंगे। तो लेकिन क्या हुआ, वो मुझसे पढ़ने में थोड़ी अच्छी थी, उसका एडमिशन हो गया और मैं रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, एडमिशन लेने के बाद उसने मुझे कहा कि एक साल का आप ड्रॉप ले लो, अच्छे से प्रिपेयर करो और इसी कॉलेज में आ जाओ, मैं आपके बिना वैसे भी रह नहीं सकती। चलो बहुत अच्छी बात, अगर आपकी भी गर्लफ्रेंड ऐसी है ना जो ऐसा बोलती है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि झूठ बोलती है साली। साला कॉलेज में जाते ही फर्स्ट डे बॉयफ्रेंड बना लिया है, और मैं यहां पे साला एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं नीट क्लियर करने के चक्कर में। तो अगर आपको लग रहा है ना कि 13 सितंबर को नीट है निकल जाएगा, तो बेटा हलवा नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो ना तो गांड फट जाएगी 13 सितंबर को, ठीक है? और ये लड़की लुड़की तरह बाबूश होना ना कहीं काम ना आएगा, सब जाके दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेंगे। तो मुझे लगता है आपको मोटिवेशन मिल चुका है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।